ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक से 4 दिन पहले लंदन पुलिस ने बकिंगम पैलेस के बाहर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उस शख्स पर पैलेस के मैदान में बंदूक के कारतूस जैसी चीज फेंकने का आरोप है। ये घटना किंग चार्ल्स III की ताजपोशी से 4 दिन पहले हुई है। गौरतलब है कि 6 मई को किंग चार्ल्स III की कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली है। इस समारोह में कई देशों के राजनेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। जापान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया बिल संसद में पेश किया गया है। अगर ये बिल पास होकर कानून बनेगा तो जापान में स्कर्ट या दूसरे कपड़ों में महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो लेने पर दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और लाखों रुपए के जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। ये बिल पब्लिक डिमांड पर संसद में लाया गया है। इस बिल को लाने का मकसद अब स्कर्टिंग जैसी महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकना है। ब्रिटेन और यूरोप के कई देश इसे पहले ही रेप कैटेगरी में डाल चुके हैं। इन देशों में इसके लिए सजा भी तय की जा चुकी है। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में गेहूं के आटे की किल्लत और बढ़ चुकी है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने इसके पीछे की वजह का खुलासा किया है और कहा है कि आटा मिलों को घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक गेहूं नहीं मिल पा रहा है, जिससे ये संकट बढ़ा है। इस बीच पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली अति आवश्यक मदद भी अटकी पड़ी है और पाकिस्तान की मुद्रा स्फीति दर लगातार बढ़ती जा रही है।